हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चार आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है, चंदनपुर गांव का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा, बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं हुई। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा, तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ के छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दें, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आए। राजा किसान के पास जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर चार स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है, इसीलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान, नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या दान कर दें, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को कैसे मना कर सकते हैं? सेठ जी, मैं रोज चार आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या आप सिर्फ चार आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, यह कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है, प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन चार आने का क्या कर देते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रसन्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन चार आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा, उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उसका कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे चार आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए चार आने किस तरह खर्च करते हो, जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रसन्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ।
और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं एक पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े, और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। धन्यवाद।